नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा और आपका हमारे चैनल डॉक्टर ताथेज होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा जो एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है, जिसमें फेफड़े और उसमें जो वायु मार्ग है उसके ऊपर सूजन आने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, परेशानी होना, खांसी आना, बहुत ज़्यादा बलगम तैयार होना, ऐसी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। इस वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा था इसके कारणों के बारे में, लक्षणों के बारे में और कुछ बचाव के बारे में। तो इस वीडियो में, इस दूसरे वीडियो में ऐसा क्या खास है जो हम आपके लिए लाए हैं? तो इस वीडियो में हम जो इसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में जो हमने पहले बात की थी कि वायु प्रदूषण, डस्ट और बहुत सारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा स्टार्ट हो सकता है या ट्रिगर हो सकता है, इसके अलावा कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है या स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे ही इमोशनल फैक्टर्स और उसमें होम्योपैथी आपकी कैसी मदद कर सकती है, इसी के ऊपर ये वीडियो जो है बनाया गया। इंसान की तीन बेसिक नीड्स होती है, एक होती है हवा, देन अन्न और पानी। अब इनमें से हम पानी पिए बगैर और खाना खाए बगैर तो घंटों या दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हवा के बगैर हम 5 मिनट भी रह पाएंगे? तो नहीं। हर किसी का यही जवाब होगा। अगर 5 मिनट भी हमारी सांस रुकती है तो हम घबराहट महसूस करते हैं। तो हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हवा का और ज़िंदगी का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर आप कभी पानी के अंदर, अब पानी में खेल रहे हो और 5 मिनट के लिए भी अगर आप पानी के अंदर चले जाते हो या किसी ने आपका पैर खींच लिया और आप पानी में अटक जाते हो, तो एक बहुत ज़्यादा घबराहट जो होती है वो आप महसूस कर सकते हो। इसी को बोलते हैं फ्राइट। इसीलिए ना फ्राइट, डर जो होता है, फ्राइट को ही डर बोला जाता है, जो अचानक से आता है, सडनली आता है। ये जो अचानक और सडनली आने वाला जो डर होता है, ये इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो एयर से होता है। और एयर जो होती है, मतलब ऑक्सीजन जो होता है, वो हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है। इसीलिए इसका रिलेशन जो है वो इस बीमारी के साथ जो है वो पाया गया है। ऐसे बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, निष्कर्ष हुए हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने इसके ऊपर स्टडी किया है कि जब भी कोई इंसान किसी बहुत ही ज़्यादा भय की स्थिति में संघर्ष करता है या स्थिति में ऐसे आता है, तो उसमें ऐसे वायु से रिलेटेड, मतलब हमारी लंग्स से रिलेटेड जो डिजीजेस है वो डेवलप होने की चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कुछ ऐसी कैटेगरी हम देखते हैं कि जिसमें हमें और अच्छे से पता चलेगा कि वो क्या कैटेगरी है, कि जिसमें जिन लोगों में ये बीमारी जो है, ये तकलीफ जो है, वो ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है या बढ़ सकती है। आइए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी कैटेगरीज है कि जिसमें ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब पहली बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की। अब न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये क्यों होता है? तो अगर गर्भावस्था में अगर माता ने किसी तरीके का डर अनुभव किया हो या किसी बहुत ज़बरदस्त फ्राइट से वो गुजरी हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नवजात शिशु में अस्थमा जो है वो डेवलप हो जाए। अब क्यों? अब हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है, एक गर्भ संस्कार एक चीज़ होती है। जब माता गर्भवती होती है तो उसे कहा जाता है कि अच्छी अच्छी बातें सुने, देखे, पढ़े, उसके आजू बाजू का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो, वो अच्छा खान पान करे, क्योंकि इन सारी अच्छी बातों का जो असर है वो उस गर्भ के ऊपर होते रहता है। अगर अच्छी बातों का जैसे असर होता है, वैसे ही बुरी बातों का भी असर होता है। इसीलिए अगर माता किसी तरीके का डर या किसी भी तरीके का फ्राइट जो है अगर अनुभव करती है, तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो बच्चा भी उस तरीके को, उस इमोशन को अपने में कैरी करे और कुछ बीमारी है, स्पेशली ऐसी अस्थमा जो डर से रिलेटेड है, वो उसमें डेवलप हो। अब दूसरी कैटेगरी आती है इसमें कि जो बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, आगे चल के ये क्या होगा, इसका कैसे होगा, वैसे कैसा, इस मामले में जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और सोचते रहते हैं, उनको भी ये बीमारी जो है हो सकती है। तीसरी जो बात है वो है कि बहुत ज़्यादा डर में रहने वाले लोग, हर बात के लिए जो डरते हैं, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, हर किसी चीज़ से, काम से, इमोशन से जब वो डरने लगते हैं, तो उनमें भी ये चांसेस है कि ये बीमारी उनको हो सकती है। चौथी कैटेगरी है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग बहुत छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, वैसे वैसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, ऐसे सभी लोग जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर चिंता करने की जो जो आदत होती है, वो उनकी इस बीमारी का कारण जो है वो बन सकती है। एक पांचवी कैटेगरी है जिसमें हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस होते हैं अपनी तबीयत को लेके, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत भी नज़ला जुकाम होता है, तुरंत दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं खुद के लिए, खुद ही जाके दवाइयाँ लेके आते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं,
ऐसे जो ओवर कॉशियस लोग थे, जो ऐसी बीमारी की छोटी बहुत नज़ले या बुखार की, जो अगर परहेज किए जाए, अच्छे से आराम किया जाए, हाइड्रेशन मेंटेन किया जाए, तो ठीक हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भी तुरंत दवाइयाँ लेना, इसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी जो है वो हैम्पर होती है। एक डर का माहौल खुद की तबीयत को लेके बनता है और फिर ये बीमारी जो है अस्थमा जैसी जो है वो डेवलप हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हवा यानी ऑक्सीजन, इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो मौत के खौफ से जो है जुड़ा हुआ है। इसीलिए जिन लोगों में ये बहुत ज़्यादा लेवल पे फियर, एंजाइटी, एंटिसिपेशन ये एक्सट्रीम में होता है, उन लोगों के जो चांसेस होते हैं अस्थमा होने के, और अगर अस्थमा है तो उसको ट्रिगर होने में इसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस पूरी वीडियो का सारांश यही है कि जितने फिजिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिगर करने के लिए, लाइक डस्ट एक्सपोज हो गया, केमिकल, वायु प्रदूषण, हवा या बहुत ज़्यादा ठंड, खान पान, इसकी वजह से जैसे अस्थमा ट्रिगर होता है, वैसे ही ये जो इमोशनल एस्पेक्ट मैंने बताया है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोगों में हमें देखने को मिल सकते हैं कि ये कॉज मिलता है और उसके बाद से अस्थमा जैसी बीमारियां जो है वो शुरू हो सकती है। आज की इस आधुनिक दुनिया में सभी लोग एक अंडर प्रेशर में जीते हैं कि अपनी घर, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सारे लोग डर और असुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है। लेकिन जो लोग इस डर और प्रेशर को अब मैनेज कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीते हैं, उन इस आने वाले जो ट्रिगर्स होते हैं उनके वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, जो इमोशनली हैम्पर्ड हो जाते हैं, डर है लेकिन वो डर जाते हैं, उसको उसको नहीं संभाल पाते हैं, तो ऐसे लोगों में ये जो डिजीज़ है डेवलप हो जाता है। अब ये डेवलप होने के बाद इसमें उन लोगों का दोष है ऐसा नहीं है, लेकिन डिजीज़ तो डेवलप हो चुका है और कॉज अगर कुछ इमोशनल है तो उसे ट्रीट भी जो है वो इमोशनल लेवल पर जाके ही करना होगा। तो इसी ऐसे ही केसेस में जो है होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से आपको मदद कर सकती है। जो फैक्टर्स जो होते हैं वो फिजिकली इफेक्ट करते हैं, जितने इमोशनली इफेक्ट करते हैं, दोनों ही केसेस में होम्योपैथी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रिलीफ दे सकती है। सो इसके बाद देखते हैं होम्योपैथी का एक्चुअल रोल क्या होता है। तो होम्योपैथी में एक डॉक्टर जो होता है वो उसके रुग्ण की पूरी तरीके से जानकारी लेता है। इस जानकारी में उसका उसका डिजीज़ जो है वो किस तरीके से चालू हुआ, कैसे प्रोग्रेस हुआ है, किस कोई स्ट्रेस फैक्टर है क्या वहाँ से ट्रिगर होके ये डिजीज़ चालू हुआ है क्या, जैसे इस वीडियो में कि मिड में मैंने आपको बताया था, जो अलग अलग फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, उन फैक्टर्स को जो है ना ढूंढा जाता है उस केस टेकिंग के दौरान, और उसका पूरी तरीके से अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ फैमिली में ऐसे फिर कोई हिस्ट्री चली है क्या, पास्ट में ऐसे कोई बीमारियां फिर से पहले भी होके गई है क्या, कोई मेजर इलनेस की हिस्ट्री पेशेंट को रही है क्या, और उसके बाद उसके स्वभाव का एज अ पर्सन वो कैसा है इसका भी पूरा अभ्यास किया जाता है। और इन सारी बातों का पूरा पूरी तरीके से स्टडी करके, अभ्यास करके ही एक विशिष्ट मात्रा में पेशेंट को जो है वो दवाइयाँ दी जाती है। अभी विशिष्ट मात्रा जो होती है होम्योपैथी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि विशिष्ट मात्रा ही पेशेंट को स्टिम्युलेट करती है हीलिंग के लिए, ताकि वो अपनी फिजिकल एंड इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सके, इस पूरी समस्या से अच्छी तरीके से बाहर आ सके। और जब वो इस तरीके से इस समस्या से जब बाहर आए तो उसे फिर से ये समस्या ना हो, इसलिए कहते हैं होम्योपैथी जो है वो जड़ के ऊपर काम करती है। और जब पेशेंट ठीक होता है तो पूरी तरीके से ठीक होता है, आने वाले ट्रिगर्स फिर उसको इतने परेशान नहीं कर। आशा करती हूँ ऊपर दी हुई सारी जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो आप इसे सुनिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।